जो कि काफ़ी अच्छा स्टार्ट, नोमी ने बहुत अच्छी बैटिंग की इस ओवर में। अब यासीन के पास मौका है कि वो जैसी फॉर्म चीतम मिल में शो करता है ऐसी फॉर्म इधर भी शो करें। चीतम मिल का वैशी जानवर इधर आकर मारने के बहुत करीब छक्का, लेकिन सिर्फ एक रन ही बन पाया। और रिकॉर्डिंग भी रहने देखा अच्छा, और उसके साथ 51 कायर बॉलर है, काफ़ी डेंजरस बॉलिंग कई दफ़ा करता है, खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बैट्स। ताहिर की एक गेंद और दो रन उस पर बन चुके हैं, 52 रन स्कोर है। नो बॉल का इशारा अब्दुल करनैन अंपायर की जानब से, क्योंकि बहुत आई थी, दो रन बंदे ने और सिर्फ एक ही रन बनाया है। बैट्समैन काफ़ी टेले साबित हो रहे हैं, उनके पास रन बनाने का नादर मौका था जो उन्होंने गंवा दिया है। और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54, गेंद सिर्फ अभी तक एक हुई है। कायर एक दफ़ा फिर आए गेंद की, यासीन ने गेंद खेली लेकिन काफ़ी अच्छी बॉल थी, यासीन उसको बीट कर गए, खेल नहीं सके। अब देख बॉलिंग एंड पे आए उन्होंने फिर गेंद करने के लिए आए और यासीन का लंबा छक्का, बहुत लंबा छक्का दरख्तों के ऊपर से, गेंद काफ़ी दूर जाकर गिरी है। फील्डर को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, काफ़ी दौड़ना पड़ेगा उसके तक पहुंचने के लिए। और आउट होने का चांस और ड्रॉप कर दिया, नैने आसान का ड्रॉप कर दिया। यासीन को मौका देना समझे कि मैच को हाथ से गंवाने के मुतरदफ़ है, उन्होंने ऐसा कैच ड्रॉप किया जैसा कि हर्षल गिव ने 1999 के वर्ल्ड कप में स्टीव वॉ का ड्रॉप किया था। खेलने पर काफ़ी खुश होना चाहिए लेकिन वो काफ़ी अफसरदा हैं, पता नहीं उनको किस बात का दुख है। और 61 स्कोर हो चुका है, नोमी एक दफ़ा फिर बैटिंग एंड पे और बोल्ड हो गए। उस्मान आए हैं बैटिंग करने, काफ़ी इस पिच पे फॉर्म में हैं, शॉट उन्होंने खेली और सलमान ने काफ़ी अच्छी ड्राइव लगाकर फील्डिंग की, दो रन बनाने का मौका था, उस्मान ने सिर्फ एक ही बनाया है। पीछे करो थोड़ा, 62